हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और आज की वीडियो होने वाली है व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स यू शुड टेक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए अपने साथ इफ यू आर ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया। सो गाइज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स योर पासपोर्ट। ऑफकोर्स यू हैव टू टेक योर पासपोर्ट, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 6 months की तो होनी चाहिए, एज इन जो एक्सपायरी डेट है वो 6 months की होनी चाहिए। सो डू चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। सेकेंड थिंग गाइज, मैं अपना ही बता देती हूँ, जैसे जो मेरा ये पासपोर्ट है ये सेकेंड पासपोर्ट है। फर्स्ट पासपोर्ट मैंने हैदराबाद में बनवाया था तो वहाँ पे एड्रेस हैदराबाद का गया था, लेकिन जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो हरियाणा का है। तो मैंने यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट बदलवाया, एज इन एड्रेस चेंज करवाया। तो दिस वॉज माई प्रीवियस पासपोर्ट जो मैंने हैदराबाद में बनवाया था। ये देखो, ये कैंसल्ड भी किया हुआ है, यहाँ पे स्टैम्प मारी हुई है कैंसिलेशन की। तो गाइज, आपको ये पासपोर्ट भी लेके जाना है, इसको ले जाना, क्योंकि मेरा वीजा फाइलिंग में ये पासपोर्ट भी लगा है, इवन दो दिस वन इज रिजेक्टेड, पर इसकी भी स्कैन कॉपी लगी है सारे पेजेस की। तो मैं ये दोनों लेके जाऊंगी, ठीक है। नाउ गाइज, सेकेंड थिंग, और मुझे लगता है दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, मतलब ये कोई कंपल्शन नहीं है, इट्स जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम माई एंड। कि देखो, जैसे कनाडा होता है वहां पे GIC होती है, वहां आपका इंडिया से ही बैंक अकाउंट खुल जाता है, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में GIC जैसी चीज नहीं है, वहां पे आपका कोई भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है कि ठीक है बच्चा उधर जा रहा है तो ये अमाउंट को यूज कर लेगा। तो अब आपको अपने साथ अमाउंट लेके जानी पड़ती है, ठीक है। अब आप कितना ही कैश ले जाओगे अपने साथ, क्योंकि अकाउंट तो खुला नहीं है और ज्यादा कैश कैरी करना सेफ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अपनी एडवाइस दूं कि मैंने तो गाइस बनवा लिया है फॉरेक्स कार्ड। तो ये कैसे बनता है, मेरा ICICI बैंक में सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है। मैंने उनको कॉल किया, वैसे कॉल करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो बैंकिंग एप्स होते हैं जैसे ICICI बैंक का जो ऐप है आप उसमें से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके फीचर्स और इसकी इंस्ट्रक्शंस जानने के लिए उनको कॉल किया। मैंने उनसे पूछा कि जो आपका फॉरेक्स कार्ड है वो कैसे अप्लाई करना है एंड व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स और क्या क्या डिडक्शंस होते हैं जब हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, पहले तो मेरा कार्ड ये आ गया है, बहुत रिसेंटली आया है ये। अब इस चीज का मैं बता दूं, मल्टी करेंसी इसमें डलवा सकते हो। मैंने ICICI बैंक का स्टूडेंट फॉरेक्स कार्ड दिया है, इसमें स्टूडेंट के लिए लाइक वो लोग काफी ऑफर्स निकालते हैं, मतलब बहुत सारे कंट्रीज की करेंसी में कन्वर्जन करवा सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे इंडिया में ही ज्यादा कैश ले जाने के बजाय इसमें ही मनी ट्रांसफर कर दूंगी यहाँ से और उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करवा लूंगी। अब जो इसकी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जब हम पैसे डाल रहे हैं, जैसे अगर मैंने 1,00,000 रुपए डाले तो उस अमाउंट की 3.25% अमाउंट कटेगी और फिर वो जाके वहां पे डॉलर में कन्वर्ट होगा। प्लस आप जिस दिन ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस दिन के रेट के अकॉर्डिंग आपके डॉलर कन्वर्जन होगी, जैसे आज 53 चल रहा है तो 53 के अकॉर्डिंग होगी, 55 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग होगी एंड सो ऑन। तो गाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस कि आप फॉरेक्स कार्ड ले लो और वहां पे जाके तो अकाउंट खुल ही जाएगा, लेकिन टिल द टाइम यू डू नॉट हैव एनी ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट, दिस वुड बी अ ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप सारे ट्रांजेक्शन इससे कर सकते हो वहां जाके, शॉपिंग से लेके रेंट पे करना है, कुछ भी करना है, यू कैन यूज योर फॉरेक्स कार्ड और आप यहां से इसमें पैसे डलवा के ले जाना, ठीक है। ये बात हो गई फॉरेक्स कार्ड की। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज की, और वो है आपका लाइसेंस। तो गाइज, लाइसेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास लाइसेंस है तो बहुत रास्ते खुल जाते हैं आपके जॉब्स के, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बहुत सारी जॉब्स है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स दे आस्क फॉर योर लाइसेंस। और अगर आपको अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाना है तो आप हर टाइम अपना पासपोर्ट कैरी नहीं करोगे अपने साथ, यू विल बी कैरिंग योर लाइसेंस और ये इसकी वैलिडिटी है वहाँ पर, तो आप ये दिखाओगे तो इट विल बी काउंटेड एज योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। प्लस ड्राइव कर पाओगे आप, स्कूटी ड्राइव कर पाओगे और आप, और बहुत सारे जॉब ऑप्शंस आपके लिए खुल जाएंगे, इंक्लूडिंग डिलीवरी जॉब्स एंड ऑल, एंड देयर आर लाइक मेनी जॉब्स दैट आस्क फॉर अ पर्सन हु नोज
ड्राइविंग. तो गाइज लाइसेंस इज अ मस्ट. ठीक है, नाउ लेट्स कम अप टू माई डॉक्यूमेंट फाइल. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1-2 किलो की लग रही है ये, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है. मैं दिखाती हूँ सारा. सो यस गाइज, दिस इज माई डॉक्यूमेंट फाइल. आई होप यू कैन सी इट. हाँ जी, तो अब इसका एक चीज बता देती हूँ कि ये फाइल है जिसमें पेजेस ऐड हो जाते हैं. ये देखो, ओह गॉड, यहाँ पर ये, यहाँ पर ऐसे वाले लगे हुए हैं. इसमें आप पेजेस ऐड कर सकते हो. तो अगर आपके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो आप इसमें बस ये शीट्स ऐड कर लो और आप उसमें डॉक्यूमेंट डाल दो. अब इसका फायदा बताती हूँ. जैसे हमारी जो दूसरी डॉक्यूमेंट फाइल होती है उसमें वो प्लास्टिक वाले शीट्स लग के आते हैं और वो लिमिटेड होते हैं. अब अगर डॉक्यूमेंट ज्यादा हो गए हैं और वो शीट्स कम पड़ गई हैं तो आप फिर कहीं और रखोगे, ठीक है, या फिर कोई और फोल्डर खरीदोगे, तो वो कन्वीनियंट नहीं है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू बाय दिस वन, जिसमें अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ज्यादा हो जाते हैं तो यू कैन बाय दीज शीट्स और आप इसी फाइल में लगा सकते हो. ठीक है, अब आते गाइज मेरी फाइल के बारे में. तो आपको मैं पहली चीज सजेस्ट करूंगी कि आप एक इंडेक्स बना लो. मतलब अगर इंडेक्स किस लिए, एक तो ये आपके लिए भी यूजफुल है क्योंकि आपको पता होगा कि आपके कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से पेज पे मिलेगा. सेकेंडली, अगर इमिग्रेशन वाले भी आपकी फाइल चेक कर रहे हैं तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर देम टू चेक योर फाइल और ज्यादा सिरदर्दी नहीं होगी एंड दे वॉन्ट क्वेश्चन यू अलॉट. तो गाइज ये एडवाइस मान लो और ये इंडेक्स बना लेना. गाइज अब आती है फोर्थ चीज जो आपको लेके जानी है. ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट फाइल तो है ही. अब डॉक्यूमेंट फाइल में क्या क्या लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट फाइल का पहला चीज है एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स. मेक श्योर यू आर कैरिंग ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, 10th, 12th, और अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के सारे, लाइक सेमेस्टर वाइज भी जो मेमोज हैं, ये मेरे सेमेस्टर वाइज मेमो हैं, ये भी डाल लेना. और उसके बाद जो कंसोलिडेटेड एक मेमो होता है वो भी डाल लेना. उसके बाद मैंने ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो मिला था मैंने वो भी डाल लिया है. आपके पास भी है तो डाल लेना, बिकॉज दीज आर ऑल योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और यू शुड कैरी देम विद यू. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बारी. नेक्स्ट क्या है, हाँ गाइज मेरी डिग्री है. तो डिग्री भी डाल लेना, जो लास्ट में मिलती है वो भी डाल लेना. उसके बाद लेटर ऑफ रेफरेंस. ऑस्ट्रेलिया में लेटर ऑफ रेफरेंस जरूरी नहीं है, बट मैंने बनवा रखा है, ये मेरा कहीं भी यूज नहीं हुआ है. तो इफ यू हैव टेक देम, अगर नहीं है तो देर इज नो नीड. This one, I don't know if it's visible or not, but guys, this is IELTS report. Whatever test you have given, maybe IELTS or PTE, make sure you are carrying that report. So guys, let's come up to next thing, that is your work experiences. So guys, अगर आपने इंडिया में कहीं भी कोई भी काम किया है and you have the experience letter, offer letter and anything, make sure you are carrying it with you. क्योंकि क्या पता आपको वहां पे उस चीज की जरूरत पड़ जाए एंड इट कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर यू अगेन. सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर वर्क एक्सपीरियंसेस. आते हैं अब आपने जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसके डॉक्यूमेंट्स की बातें. तो फर्स्ट थिंग इज योर ऑफर लेटर. जो भी आपका ऑफर लेटर था उसके कॉपीज निकाल लेना गाइज और वो अपनी फाइल में लगा लेना. ऑफर लेटर के बाद नेक्स्ट क्या आता है, आपका फंड शो करने का, राइट. तो अब आपने फंड शो कैसे, जैसे भी किए, जैसे मैंने लोन के थ्रू किए हैं तो मैंने लोन का सैंक्शन लेटर लगा लिया है इसमें. उसके बाद डिसबर्समेंट लेटर लगा लिया है और उसके बाद लगा लिया मेरी लोन अकाउंट की स्टेटमेंट. लेट मी शो सी. अब हो गया जीटी क्लियर. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फीस पे करो और सीओई आ जाती है. तो गाइज सीओई आ गई है तो उसका भी प्रिंट आउट ले लो और उसको मेक श्योर यू आर कीपिंग इट इन योर डॉक्यूमेंट्स. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप, कि आप अपना ECOE यानी कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट रख रहे हो. नाउ सीओई आ गई, ठीक है, फाइल लग गई. अगर SOP की हार्ड कॉपी निकालनी है तो निकाल के रख लो, अदरवाइज फाइल लग गई, हैप आईडी मिली, उसके बाद आपने मेडिकल दिया. मेडिकल हुआ, क्या मिलेगा आपको मेडिकल से, आपको रिसिप्ट मिलेगी उसकी. ठीक है, मैं दिखाती हूँ एक मिनट. ऐसा कुछ मिलेगा, ये देखो, ये तो जैसे मैंने मैक्स हॉस्पिटल में करवाया था तो ये तो उसका बिल है.
जो भी द मनी दे टुक। उसके बाद ये आपका होता है हैप आईडी रेफरल लेटर। इसमें वो लोग मेंशन करके देते हैं दैट आई एम फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो ये चीज आपकी एयरपोर्ट पे चेक हो सकती है। डोंट फॉरगेट टू टेक दिस विद यू, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट गाइज। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रख लेना। ऑल्सो वैक्सीनेशन का जो प्रूफ है वो इसमें ये लोग लिख के देते हैं, यानी कि मेडिकल वाले डेट मेंशन करके देते हैं कि फर्स्ट डोज कब हुई थी, सेकेंड डोज कब हुई थी। तो इन शॉर्ट ये भी आपका एज अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ही है और ये बहुत बहुत जरूरी है ले जाना। ठीक है, ये हो गई मेडिकल की बात। उसके बाद गाइज मेडिकल हुआ, उसके नेक्स्ट क्या होता है, वीजा आ जाता है, राइट। तो वीजा की कॉपी तो मस्ट है, उसी से तो एंट्री मिलेगी एयरपोर्ट पे, समझ रहे हो। तो वीजा रख लेना, मैं दिखा देती हूँ। मैंने वीजा की एक कॉपी इसमें लगा दी डॉक्यूमेंट्स में और एक और निकाल लिया जो मैं अपने साथ रखूंगी द मोमेंट आई विल बी एंटरिंग द एयरपोर्ट। ठीक है, तो दो कॉपीज निकाल ली है। फिर गाइज पासपोर्ट की भी कॉपी निकाल ली है। उसके बाद गाइज जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो भी मैंने लगा लिया है इसमें। फिर डोमिसाइल का डॉक्यूमेंट था, आई मीन दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग दीज आर इम्पॉर्टेंट, बट ठीक है आपसे रिलेटेड चीजें रख लो, घर पे छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आपके ही डॉक्यूमेंट्स है तो रख लो। उसके बाद मैंने डैड के जो ITRs हैं जो फाइनेंशियल्स में लगे थे मैंने वो भी निकाल के लगा लिए हैं। अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये सब चीजें हमारे मेल पे पड़ी होती हैं, बट स्टिल अगर निकालना है तो रख लो, मैंने तो रख ली, कोई जरूरी नहीं है वैसे। नाउ गाइज आपकी ई टिकट, ये मत सोचना कि फोन में दिखा देंगे ये वो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो भाई, कुछ नहीं होता टिकट निकालने में। ठीक है, टिकट की प्रिंट जरूर निकाल लेना, मैं निकाल चुकी हूँ। ठीक है, और हाँ मैं बोल रही थी ना एक्स्ट्रा कॉपी रखी है वीजा की, ये रही वो एक्स्ट्रा कॉपी जो मैं अपने साथ कैरी करूंगी एयरपोर्ट पे। कैरी तो सारा ही करूंगी बट ये एक्स्ट्रा कॉपीज निकाल ली है, लाइक जिनको हैंडी रखना है बिल्कुल। नाउ गाइस फोटोज रख लेना, गाइस मेक श्योर यू आर टेकिंग योर लेटेस्ट पिक्चर्स। ठीक है, क्योंकि क्या पता वहां पे बहुत महंगी खींचती हूँ, हू नोज। डोंट फॉरगेट टू टेक नोटबुक पेन विद, दीज आर लाइक बेसिक स्टेशनरीज दैट वन शुड टेक। नाउ इट कम्स टू मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन गाइज, इफ यू आर टेकिंग एनी मेडिसिन विद यू, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन विद यू, या फिर इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर मेडिकल रिपोर्ट्स एंड योर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन। Next comes to receipt of fees, like the fees that we pay in university or college, plus अगर हम कहीं से OSHC ले रहे हैं उसमें हमने जो पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट, या फिर हमने अकोमोडेशन बुक किया और आपने इंडिया से ही पेमेंट की है तो उसकी भी रिसिप्ट अपने साथ लेकर आना। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लाइक आपका आधार हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल, अगर कुछ भी मिसिंग लगे तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना एंड प्लीज डू सजेस्ट मी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ माई वीडियो। Also, I see that people are, watching my videos, but they are not liking it, as in like button नहीं दबा रहे हो, और subscribe तो like बहुत कम लोग कर रहे हैं in comparison to the views. So guys, it really motivates. Please, please subscribe कर दिया करो और like कर दिया करो और bell icon को भी press कर लो, so that you won't miss any of my videos. Don't forget to follow me on Instagram. I am not that active on Instagram अभी के लिए, but the moment I reach Melbourne, trust me guys, you will get everything you wanted. आप लोग को पूरा Melbourne दर्शन कराऊंगी Instagram पे बैठे बैठे। ठीक है, so follow कर लेना Instagram पे भी। तो मिलते हैं हमारी next video में, till then bye bye and take care.